गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज द स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। इससे पहले हम तीन पार्ट स्टडी कर चुके हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। तीनों के केस में हमने देखा कि वहां पे ज्यादातर जो मेंबर हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनोइड्स के केस में फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी भी उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और जब सनलाइट अब्सेंट होती है, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट होते हैं वो, तो उस केस में वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो मेंबर है स्लाइम मोल्ड्स, जो फोर्थ मेंबर है, ये पूरी तरीके से हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सो दीज आर सैप्रोफाइटिक मीन्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसके ऊपर फीड करते हैं, जैसे डिकेइंग ट्विग्स, जो टहनियां होती हैं, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो गले सड़े पत्ते होते हैं उनकी जो ट्विग्स होती हैं उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो ये सैप्रोफाइटिक होते हैं नेचर में। सेकेंड थिंग, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनमें जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, दो तरह की सेल होती है जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि यहां पे हम बात करें प्रोटिस्टेंट की, तो ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो दो तरह की सेल होती है, प्लांट में वेजिटेटिव और जर्म सेल, एनिमल्स के अंदर सोमेटिक सेल एंड जर्म सेल्स। यानी कि हमारे केस में जर्म्स जो सोमेटिक सेल्स बोला जाता है, प्लांट के केस में वेजिटेटिव बोला जाता है, और सेकेंड टाइप की सेल होती है जर्म सेल्स, जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सोमेटिक या वेजिटेटिव जो सेल होती है, यानी कि बॉडी को फॉर्म करने वाली सेल, तो यहाँ पे जो सेल इसकी बॉडी को बनाती है उस सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं क्राइसोफाइट्स में और डायनोफ्लैजेलेट्स में, वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट थी। यूग्लिना के अंदर सेल वॉल अब्सेंट हो गई थी, वहां पे पेलिकल लेयर प्रेजेंट थी। यहां पे भी सेल वॉल वेजिटेटिव फॉर्म में अब्सेंट होती है, वेजिटेटिव फॉर्म लैक सेल वॉल, वेजिटेटिव फॉर्म में कोई सेल वॉल नहीं होती है। थर्ड, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो एक्चुअल में जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनको ये कह सकते हैं कि एक तरीके की फंगस कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये एग्रीगेट करके एक मास बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अंडर फेवरेबल कंडीशन they multiply and aggregate to form a huge mass called plasmodium. यूज़ मास बना देते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम बनता है दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होते हैं यानी कि एक ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम grow and spread over several feet. ये grow करता है, spread कर जाता है, spread करने लगता है over several feet, कई feet तक ये spread कर सकता है। किस तरह का structure होता है, मान लेते हैं ये इसकी सबसे पहली वाली cell थी, इस तरह का structure होता है, ये इसका nucleus है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये लगातार डिवाइड करता है और एग्रीगेट एक मास बनाता है इकट्ठा होके, और इसका जो मास बनता है कुछ इस तरीके का मास बन जाता है। यहां पे ये सारी सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद इनका जो प्रोटोप्लाज्म पार्ट है, मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है,
उन दोनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सारी सेल्स का प्रोटोप्लाज्म यहां पे प्रेजेंट है और इनके न्यूक्लियस यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। तो इस तरीके का मास बन जाता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये बिल्कुल वैसे ही होता है, बड़ा इरिटेटिंग सा एग्जांपल है इसके लिए। जैसे कोई पर्सन अगर वोमिटिंग कर देता है तो वोमिटिंग करने के बाद जो भी खाया उसने खाना खाया वो सारा गिरा देता है और वो वोमिटिंग वाला हिस्सा फैल जाए, तो कुछ इसी तरह की अपीयरेंस आती है इसके प्लाज्मोडियम से और वो ऐसे ही ग्राउंड के ऊपर फैला होता है, लगातार स्प्रेड करता रहता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब ये तो हुआ तब जब फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि सारी कंडीशन उनके ग्रोथ के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो यही प्लाज्मोडियम अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। ये फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं, यानी कि अगर इस तरीके देखें तो इसके ऊपर से इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है, इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगी। सो फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स, और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पे जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स हैव ट्रू सेल वॉल। इससे पहले जो ये पार्ट था, यहां पे जितने भी एग्रीगेशन थे इसमें कोई सेल वॉल नहीं थी, लेकिन जो स्पोर बनते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है और वो सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज की सेल वॉल सिर्फ स्पोर के अंदर इनके केस में प्रेजेंट होती है। स्पोर जब जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद जब वो प्लाज्मोडियम बनाता है तो सेल वॉल वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। जो सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्पोर के केस में, ये हाईली रेजिस्टेंट होती है जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से इस ऑर्गेनिज्म को बचाती है। सेल वॉल इज हाईली रेजिस्टेंट, सेल वॉल इज हाईली रेजिस्टेंट एंड प्रोटेक्ट them against and protect them against extreme environmental conditions से ये इसको बचाती है। और dispersal में भी spore ही help करते हैं, जहां पे भी spore disperse होके गिर जाते हैं वहां पे फिर वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। एग्जाम्पल इसका फिजेरियम, फिजेरियम दैट इज द एग्जाम्पल और मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो स्लाइम मोल्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दीज आर सैप्रोफाइटिक, मींस दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग दैट इज ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। वेजिटेटिव फॉर्म लैक सेल वॉल, वेजिटेटिव फॉर्म में सेल वॉल नहीं होती है। फेवरेबल कंडीशंस में ये मल्टीप्लाई करते हैं, एग्रीगेट करते हैं और एक ह्यूज मास बना देते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, दैट इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोडियम ग्रो और स्प्रेड करता है बहुत सारे, यानी कि ओवर सेवरल फील्ड्स पे। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम अपने आप को फ्रूटिंग बॉडीज में चेंज कर लेता है, जिससे उनके अंदर स्पोर डेवलप होते हैं। स्पोर सेल वॉल कंसिस्ट करता है और सेल वॉल यहां पे सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल हाईली रेजिस्टेंट होती है और ये प्रोटेक्ट करती है स्पोर को अगेंस्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि हार्श कंडीशन से। और इसका एग्जांपल है फिजेरियम। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। Now the last part, that is the protozoan or protozoa. Protozoa, जो protozoa, these are considered as primitive animals or relative of primitive animals. Relative of primitive
एनिमल्स, इनको प्रिमिटिव एनिमल्स का रिलेटिव माना जाता है इनके स्ट्रक्चर के बेस पे। ये पैरास्टिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। जनरली हेटरोट्रोप्स तो होते ही हैं, हेटरोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक होते हैं न्यूट्रिशन में, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर तो है ये। अब जो प्रोटोजोआ है इनकी कुछ कैटेगरीज बनती है, तो जो कैटेगरीज इनकी बनती है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट अमीबोइड प्रोटोजोम्स, सेकेंड फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड के बाद सीलिएटेड, एंड फोर्थ वन स्पोरोजोम्स। इन चार कैटेगरीज के अंदर प्रोटोजोआ जो ग्रुप है उसको डिवाइड किया जाता है, अमीबोइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड देन स्पोरोजोम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबोइड प्रोटोजोम्स की। अमीबोइड प्रोटोजोम्स, एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा का एक मेंबर है, इसको हम माइंड में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो अमीबोइड प्रोटोजोन है वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे अमीबोइड प्रोटोजोन यानी कि अमीबा की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक इस ग्रुप के अंदर मेंबर्स की प्रेजेंट होती है। अमीबा कहाँ पे मिलता है? फ्रेश लविंग या जो मॉइस्चर वाला लैंड है वहां पे मिल सकते हैं, फाउंड इन फ्रेश और मरीन वाटर, मरीन वाटर के अंदर मिल सकते हैं, या जो मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्ट लैंड जहां पे नमी वाली जगह है वहां पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है और ये फूड को यानी कि मूव करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टिंग देयर सूडोपोडिया, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को ये एक तरीके से एक्सटेंड करते हैं, उससे फूड को कैप्चर करते हैं, उसी से मूव करते हैं। दे मूव एंड कैप्चर फूड मटेरियल बाय सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की हेल्प से। ये जो ये वाला पार्ट है जैसे आपने देखा होगा अमीबा के केस में इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है फूड के चारों तरफ, तो सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को कैप्चर कर सकते हैं। इन्हीं सूडोपोडिया की हेल्प से वो मूव भी करता है, तो इनकी मूवमेंट और फूड की कैप्चरिंग सूडोपोडिया की हेल्प से होती है। कुछ के केस में इनकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें कुछ खास डिफरेंशिएशन होता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरास्टिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग और पैरास्टिक। फ्री लिविंग जैसे अमीबा होता है, पैरास्टिक की बात करें तो पैरास्टिक में एग्जांपल होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबियासिस एक डिजीज कर देता है तो ये इसके मेंबर होते हैं। तो अमीबा और एंट अमीबा इसके मेंबर है, फ्रेश और मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कैप्चर करते हैं फूड को या मूव करते हैं सूडोपोडिया के हेल्प से, जिसको फोर्स फीड भी बोलते हैं। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरास्टिक हो सकते हैं। तो फूड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका वो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो दैट इज अबाउट द अमीबोइड प्रोटोजोन्स। सेकेंड फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अब जो ये मेंबर्स हैं ये जनरली पैरास्टिक होते हैं, इस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली पैरास्टिक इन नेचर, ज्यादातर ये पैरास्टिक होते हैं नेचर में।
एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा जिसकी वजह से होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसके अलावा दूसरा मेंबर है इसका लेस्मानिया, लेस्मानिया जो होता है दैट इज दैट कॉजेस अ डिजीज कालाजार। तो ये जो मेंबर है ट्राइपैनोसोमा और लेस्मानिया, ये इसके अंदर आते हैं, पैरास्टिक होते हैं यानी इनकी वजह से डिजीज होते हैं और इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, मूवमेंट के लिए कोई सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होते ही, इस तरह की इनकी जो स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होता है। तो ये इसका फ्लैजेला होता है और ये इसका बाकी स्ट्रक्चर है सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि लेस्मानिया का होता है, तो इनके अंदर फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। थर्ड टाइप दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ, जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ है सीलिएटेड प्रोटोजोआ में बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिया, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी इनसे कवर्ड होती है। इसके अलावा माउथ लाइक स्ट्रक्चर, माउथ लाइक स्ट्रक्चर ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, क्योंकि यूनिसेल्यूलर है तो इनकी जो सेल की सरफेस है उसके ऊपर इनका माउथ लाइक स्ट्रक्चर ओपन होता है, ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। इसके अलावा जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है ये फिर एक गलेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लीड करता है साइटोफेरेंस, या इसका जो माउथ है साइटोफेरेंस और माउथ लीड्स इनटू द गलेट, ये गलेट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लीड्स करता है सारा फूड मटेरियल जो सीलिया है उसकी बीटिंग से इसी गलेट के थ्रू इसकी बॉडी में एंटर करता है, फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू गलेट के थ्रू जो फूड मटेरियल है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, और गलेट के थ्रू जब वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसमें हेल्प करते हैं बीटिंग ऑफ सीलिया हेल्पिंग अबाउ प्रोसेस, यानी फूड को कैप्चर करने में उसमें सीलिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी बीटिंग प्ले करती है रोल यहाँ पे। जैसे अगर एक सीलिएटेड प्रोटोजोन को हम ड्रॉ करें तो पैरामीशियम इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसमें पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, एक साइड में सरफेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम गलेट बोलते हैं या साइटोफेरिंग्स पार्ट भी बोल देते हैं, ये इसका माउथ जैसा पार्ट है जहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इनकी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी से जो फूड मटेरियल है वो यहां से एंटर करता है, यहाँ पे फूड वैक्यूल बन के और पूरी बॉडी के अंदर रोटेट कर जाते हैं। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, तो माइक्रो और मैक्रो दो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसका काम रिप्रोडक्शन में हेल्प करना होता है और माइक्रो न्यूक्लियस जनरल बॉडी के डेवलपमेंट को कंट्रोल करना होता है, इसमें जो मूवमेंट है और जो फूड की कैप्चरिंग है वो सीलिया की हेल्प से होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है वो है इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम जो है वो सीलिएटेड प्रोटोजोन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे बॉडी सीलिया से कवर्ड होती है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, माउथ लाइक स्ट्रक्चर इन सेल की सरफेस के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे साइटोफेरेंस या माउथ लीड्स इनटू द गलेट, ये जो माउथ लाइक पार्ट है गलेट के अंदर ओपन होता है और जो फूड है वो इसी के थ्रू एंटर करता है, बीटिंग ऑफ सीलिया, सारे जब सीलिया एक साथ बीट करते हैं तो वर्टेक्स बन जाता है जैसे वॉशिंग मशीन में बनता है और फूड इसके अंदर आ जाता है, यहां से फूड पूरी बॉडी में रोटेट करता है, एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम है।
नाउ द लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये जनरली पैरासिटिक होते हैं नेचर में, पैरासिटिक इन नेचर, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। द इंफेक्शियस, द इंफेक्शियस स्पोर स्पेस इज कॉल्ड स्पोरोजोइट। इंफेक्शन जो स्टेज होते हैं जिससे ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं, तो वो स्टेज इनकी स्पोरोजोइट होती है, खासकर प्लाज्मोडियम के केस में। तो इसमें जो एग्जांपल बनता है वो है मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है वो इसका एग्जाम्पल है। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की जो इंफेक्शन स्टेज होते हैं उसको स्पोरोजोइट बोलते हैं, तो ये पैरासिटिक होते हैं। अब जो मलेरिया की वजह से जो मलेरिया कोज करते हैं, दैट कोजेस स्टैगरिंग इफेक्ट, स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर स्टैगरिंग इफेक्ट होता है। स्टैगरिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती है, जिससे पॉपुलेशन काफी ज्यादा बिखर जाती है। मीन्स जैसे एक जगह पे कंडेंस होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अगर स्टैगरिंग इफेक्ट की बात करें तो लोगों के जो डेंसिटी है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा किलिंग करने वाला ये माइक्रोब होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। थैंक यू।